तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल धमाल अंकित में। आज हम आपको बताएंगे जो साइकिल का बॉटम होता है उसमें आप कैसे बैरिंग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये दो बैरिंग, इन्हें हम आपको आज बॉटम में लगाना सिखाएंगे। तो आपको सबसे पहले जो क्या काम करना होगा, आपको जो है ये क्रैंक है, क्रैंक में जो ये लगा होता है क्वार्टर पिन, उसे आपको निकालना होगा। एक आपको सुम्बी ले लेनी है और एक हथौड़ा, हथौड़ा और सुम्बी की सहायता से आपको इसे निकालना होगा। जैसे हमने निकाला है इस तरीके से आपको निकालना होगा। दोस्तों ऐसे ही आपको निकालने के बाद इसे दूसरी साइड से भी इस तरीके से ही खोलना है जैसे कि हम खोल रहे हैं। आप देख सकते हैं ये हमारा खुल चुका है। थोड़ा हथौड़ी की चोट मार लीजिए यदि जाम है, यदि नहीं खुल रहा तो और मारिए आप चोट, ये खुल जाएगा। यदि फिर भी नहीं खुलता तो आप गोलमुखी सिंडासी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोलमुखी सिंडासी से भी ये आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारा खुल चुका है। और दोस्तों इसमें जो है बॉटम है, जो बॉटम की ये कटोरी है ये आपको निकालनी होगी। इसे आपको चाबी की ये पत्ती आती है, चाबी पत्ती, इसकी सहायता से आप इसे खोल सकते हैं। ये जो जिंगे को आप सोचेंगे टाइट होगी उंगे को ये खुलेगी, ये उल्टी दिशा में खुलती है जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप इसे खोल लीजिए। तो दोस्तों ये हमारी कटोरी जो है ये खुल चुकी है और इसे आप साफ कर लीजिए कपड़े की सहायता से। और दोस्तों जो इसकी महल मट्टी है वे भी आप सफ़ा कर लीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि महल मट्टी है तो जो आप बैरिंग इसमें डाल लेंगे वे आवाज़ करेंगे, अच्छा वर्क नहीं करेंगे। तो दोस्तों इस बात का आप इसे ध्यान रखें, जो महल मट्टी है उसे आप ज़रूर निकाल लें। तो देख सकते हैं हमने साफ़ कर लिया है। इस तरीके से आपको कटोरी भी साफ़ कर लेनी है कपड़े की सहायता से। ये देख सकते हैं हमारी कटोरी भी साफ़ हो चुकी है करीब करीब। और दोस्तों उसके बाद क्या करना होगा आपको, ये भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों दोनों कटोरी आपको साफ़ कर लेनी है। इसी तरीके से हमने दोनों कटोरी साफ़ कर ली है जैसे कि देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं। कटोरी साफ़ करने के बाद हम देखेंगे ये बैरिंग है, ये जो बैरिंग है ये आपको लगाना है। इस बैरिंग का नंबर भी हम आपको वीडियो में बताएंगे किस बैरिंग का नंबर। दोस्तों हम आपको जो बैरिंग है उसका नंबर भी ज़रूर बताएंगे इस वीडियो में, कौन से नंबर का आपको बैरिंग लाना है जो आपके बॉटम में सही फिट बैठेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों उसके लिए आपको जब आप बैरिंग लगाए कटोरी में तो आपको एक जो हब की कटोरी होती है उसका इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको बैरिंग लगाना है कटोरी में। जो बॉटम की कटोरी है देख सकते हैं फिक्स आ चुका है बिल्कुल, और ऊपर से जो ये कटोरी है हब की, जो पहिए में कटोरी होती है उसका आपको इस्तेमाल करना है। हम भी उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देख सकते हैं ये बैरिंग हमारा अच्छी तरीके से आ चुका है और हम इस पर चोट मार लेते हैं। ये देख सकते हैं फिट आ चुका है बैरिंग हमारा जैसे कि देख सकते हैं। और दूसरी कटोरी में भी आपको इसी तरीके से बैरिंग लगा देना है। तो दोस्तों ये रहा हमारा दूसरा बैरिंग और इसे भी हम आपको अच्छे तरीके से लगाना सिखाएंगे। ये बैरिंग जो है अड्डा ना रहे, सुद्धा रहे बिल्कुल, तो ये अच्छा वर्क करेगा। यदि आप आड़ा टेढ़ा लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं घूमेगा, बैरिंग आपका ख़राब हो जाएगा और आपका जो बॉटम है वो भी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जो हमारा बैरिंग है वो बिल्कुल सूधा होना चाहिए। देख सकते हैं ये हमारा बैरिंग थोड़ा तिरछा है तो इसे हम सूधा करेंगे, सूधा करके ही इसमें लगाएंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरीके से आपको लगाना है। ये ठोक रहे हैं हम, ये बिल्कुल फंस के आएंगे इसमें बैरिंग, क्योंकि ये इसी नाप के है। इनका नंबर भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे
कौन से नंबर के बैरिंग जो आपको लगाने होंगे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये हमारी कटोरी थोड़ी ज़्यादा कटी हुई थी तो हमने इसमें नहीं लगाया, दूसरी कटोरी का हमने इस्तेमाल करा है। तो आपके पास कोई कटोरी पड़ी हो तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि आपका बैरिंग उस कटोरी में फिट नहीं आ रहा तो आप दूसरी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं दूसरी कटोरी में हमारा बैरिंग जो है वो फिट आ चुका है, ये देख सकते हैं इसमें भी हमारा बैरिंग फिट आ चुका है और इसमें भी हमारा बैरिंग जो है ये फिट आ चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और आपको इसे चढ़ा लेना है, देख सकते हैं इस तरीके से आपको चढ़ाना है जैसे कि हम चढ़ा रहे हैं। और दोस्तों इसे पूरा टाइट कर लेना है आपको, ये देख सकते हैं बड़ी आसानी से चढ़ गई हमारी कटोरी, और इसे चाबी की सहायता से आप टाइट कर लीजिए, ये बड़ी आसानी से टाइट हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये पूरी टाइट कर ली है कटोरी, और अब इसमें हम लगाते हैं अपना ये बॉटम। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ घूम रहा है इसमें बैरिंग में, और ये हम दूसरा एक्सेल लगाएंगे इसमें, आप देख सकते हैं वह एक्सेल थोड़ा घिसा हुआ है तो इस वजह से हमने उसे नहीं लगाया। तो आप भी ध्यान रखें एक्सेल आपका अच्छा होना चाहिए, जब भी आपका बॉटम अच्छी तरीके से वर्क करेगा अच्छा घूमेगा, यदि आपका बॉटम कटा हुआ है तो यह अच्छा वर्क नहीं करेगा, इस बात का आप जैसे ध्यान रखें। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बहुत अच्छा घूम रहा है। चलिए चैन गियर लगा लेना है आपको पहले, और उसके बाद आपको एक्सेल लगाना है, जिस ओर से एक्सेल थोड़ा बड़ा होता है उस ओर से आपको इसे लगाना है, छोटे की साइड पूरे रखनी है, बड़ा साइड पड़े रखना है। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो बॉटम है ये अच्छी तरीके से घूम रहा है, तो हम इसे लगा देते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है, ये थोड़ी कटोरी बाहर रहेगी क्योंकि बैरिंग है, तो बैरिंग की वजह से गोली होती तो कटोरी अंदर चली जाती, बैरिंग है तो इस वजह से इसकी सेटिंग आपको अच्छी तरीके से बिठानी होगी, यदि आप सेटिंग अच्छी तरीके से नहीं बिठाएंगे तो यह अच्छा वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें, इस पर छल्ला चढ़ा देना है आपको और छल्ले से टाइट कर लेना है। छल्ला चढ़ाने के बाद आपको देखना है इसकी फिटिंग कैसी है, यदि फिटिंग आप अच्छी नहीं है तो आप देख लीजिए चिक विक है या नहीं, चिक है तो आप थोड़ा टाइट कर लीजिए, और यदि जाम चल रहा है तो आप थोड़ा ढीला कर लीजिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे इसमें जो हमने बैरिंग लगाई है ये कौन से नंबर के लगाएंगे, चलिए दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको अब जानकारी देंगे। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे पास बैरिंग है जो हमने इस बॉटम सेट में लगाए हैं, और बैरिंग का जो नंबर है आप देख सकते हैं 5903, इनका नंबर है बैरिंग का 5903, आप देख सकते हैं इन पे लिखा भी हुआ है, तो आप भी मार्केट से 5903 ला सकते हैं बैरिंग। तो दोस्तों हमने इनका नंबर भी आपको बता दिया है, तो दोस्तों इस नंबर का आप बैरिंग लाए और अपने बॉटम में लगाए और देखे कैसा वर्क करता है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बॉटम है वो कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इस जिस तरीके से आपने क्वार्टर पिन लगाए हैं उसी तरीके से आपको भी क्वार्टर पिन लगाने हैं, एक उल्टी साइड में और एक सीधी साइड में, दोनों एक तरफा इनका मुंह नहीं रखना आपको क्वार्टर पिनों का, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारा जो बॉटम है उसमें हमने बैरिंग लगा लिए हैं, और बैरिंग लगाने के बाद हम आपको इसे घुमा के दिखाएंगे ये कितना स्मूथ घूमता है, देख सकते हैं ये देखिए कितना स्मूथ घूम रहा है, आप देख सकते हैं अंदाज़ा लगा सकते हैं चक्कर इसके कितने हाई है और ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप